नमस्कार दोस्तों, ज्ञान जोगोदा चैनल पर आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले आपके लिए बहुत बड़ी अपडेट लेके आएंगे, जो कि आयुष्मान भारत योजना के जो कार्ड बना रखे हैं, जिसमें करीब करीब 5 लाख तक का जो भी हेल्थ का कोई भी आपका इलाज होगा वो गवर्नमेंट की तरफ से अफोर्डेबल रहेगा। उसके रिगार्डिंग जो कि करीबन करीबन 38 लाख से ज्यादा गोल्डन कार्ड बने हुए हैं कैंडिडेट के, और 15.50 लाख परिवारों के टोटल में, जो कि बीपीएल से भी कहीं ऊपर है, इनके भी कार्ड बने हुए हैं, उसके रिगार्डिंग अपडेट है। इसी तरह की और भी अपडेट पाना चाहते हो तो चैनल पर नए हो तो कृपया करके चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके और नोटिफिकेशन जरूर ऑन कर लीजिए, ताकि आपको सबसे पहले इन्फॉर्मेशन मिल सके। आपके लिए लेके आए थे, देख सकते हो, आयुष्मान भारत योजना के लिए, जो कि जिनके आयुष्मान कार्ड बढ़ चुके हैं उनको आयुष्मान कार्ड अपनी फैमिली से लिंक करवाने होंगे। क्या नोटिस है पूरी की पूरी डिटेल देखिएगा। केंद्र सरकार द्वारा महत्वाकांक्षी योजना आयुष्मान भारत का लाभ गरीब परिवारों में पात्र लोगों को भी मिले, इस दिशा में सूबे की मनोहर लाल खट्टर सरकार ने एक अहम कदम उठाया है, जो कि आईआईटी कानपुर के विशेषज्ञों ने चिंतन मंथन के बाद इस योजना का लाभ उठाने वाले परिवारों को हर सूरत में परिवार पहचान पत्र बनवाकर इससे लिंक करवाना होगा। यानी कि अगर आपकी फैमिली आईडी बनी हुई है, आपने लिंक नहीं करवाया, तो फैमिली आईडी से आपको ये लिंक करवाना होगा। अगर लिंक नहीं करवाओगे तो आप इसमें अप्लाई नहीं है, आपको बेनिफिट नहीं मिल सकता। क्यों? क्योंकि कई ऐसे भी हैं जो फाइनेंशियली बहुत स्ट्रॉन्ग है, बट उन्होंने फिर भी अपने आयुष्मान कार्ड बनवा रखे हैं। दो नंबर में गवर्नमेंट ये कहती है भी हर एक गरीब बंदे को जिसका आयुष्मान कार्ड है, जारी करने वाला बीपीएल है, और उनको बेनिफिट मिले, और जिनका 1,80,000 से कम इनकम है वो गरीबी रेखा से नीचे आता है, उनके ही बीपीएल कार्ड बनेंगे, उनके ही आयुष्मान कार्ड बनेंगे। अगर आपका आयुष्मान कार्ड और PPP फैमिली परिवार पहचान पत्र आपस में कनेक्ट नहीं है तो आपको इसका बेनिफिट नहीं मिलेगा आयुष्मान कार्ड का। यानी कि दोनों के दोनों आपको फैमिली आईडी से किसी भी पीएचसी सेंटर पर जाकर आपने अपना आयुष्मान कार्ड जो भी है वो अपना परिवार पत्र पहचान पत्र से लिंक करवाना है, जिसके कारण प्रति 12 परिसर में बीपीएल के नाम पर इसका लाभ लेने वाले कैंडिडेट को सूची से हटाया जा सकता है। क्योंकि जिनकी फैमिली आईडी 1,80,000 से ज्यादा है फैमिली आईडी में इनकम, उनका नाम इसमें से डिडक्ट कर दिए जाएंगे, कैंसिल आउट कर दिए जाएंगे। लगभग 29.5 लाख कार्ड धारक दायरे में आते हैं, लेकिन इनमें से PPP अर्थात परिवार पहचान पत्र में शर्त के साथ संख्या में गिरावट अपनी पूरी तरह से तय है, अर्थात पात्र लोग ही इसका लाभ ले सकेंगे। जिनकी फैमिली आईडी में 1,80,000 से अपर इनकम होगी, उनके आयुष्मान कार्ड ऑटोमेटिकली कैंसिल कर दिए जाएंगे। ठीक है जी, ये लेटेस्ट खबर है। मुख्यमंत्री, प्रमुख सचिव और आला अफसर आईआईटी कानपुर के विशेषज्ञों से चर्चा कर रहे हैं, और सैद्धांतिक तौर पर बीपीएल PPP से जोड़ने का फैसला हो चुका है, इस पर जल्द ही कामकाज शुरू हो जाएगा। और यहाँ तक उल्लेखनीय है कि परिवार पहचान पत्र माध्यम से कम आय वाले परिवारों को भी आयुष्मान भारत योजना से जोड़ने का एक ये अनोखा कदम है। अर्थात वेरिफिकेशन के बाद शुद्ध पात्रों को ही इसका लाभ मिलेगा। यानी कि जिनकी फैमिली आईडी में इनकम है जी 2-2 लाख है, 4-4 लाख है, 5-5 लाख है, उनके अगर आयुष्मान कार्ड बने वो कैंसिल हो जाएंगे, और जिनकी इनकम कम है उनके आयुष्मान कार्ड इशू कर दिए जाएंगे, उनके यानी कि बीपीएल कार्ड भी उन्हीं के बनेंगे जिनकी 1,80,000 से कम इनकम है, जो कि पिछले दिनों में भी आपके साथ शेयर की थी इन्फॉर्मेशन, और उनके ही बीपीएल कार्ड बनेंगे, और उनके ही जिनकी 1,80,000 से कम है उनके ही आयुष्मान कार्ड बनेंगे। अगर किसी की ज्यादा है तो फैमिली आईडी बोल देंगे, फैमिली आईडी से वो आयुष्मान कार्ड कनेक्ट होते ही कैंसिल आउट हो जाएंगे। ठीक है जी, यहाँ पर यह भी याद रहे कि केंद्र सरकार की इस अहम व गरीब कल्याण योजना के तहत 5 लाख रुपए तक का चिकित्सालय खर्च प्रति वर्ष प्रति परिवार को राज्य सरकार की तरफ से निःशुल्क उपलब्ध करवाया जाएगा। ठीक है जी, और आयुष्मान योजना को लेकर अंकड़ों पर 15.50 लाख परिवार पंजीकृत है, और जबकि 29 लाख से ज्यादा अधिक लोगों के पास ये गोल्डन कार्ड है। पंजीकृत तो बीपीएल के जो कैंडिडेट हैं जिनकी 1,80,000 से कम है वो है 15.50 लाख परिवार, बट जिनके
आयुष्मान कार्ड बन चुके हैं, करीबन 38 लाख लोगों के आयुष्मान कार्ड बन चुके हैं। सरकार द्वारा सुनिश्चित किया गया कि अब लाभार्थी को राज्य के आयुष्मान भारत द्वारा सूचीबद्ध अस्पताल में निःशुल्क सेवा स्वास्थ्य सेवा मिलेगी और लाभार्थी को आने वाले वक्त में अनिवार्य तौर पर पहचान पत्र यानी कि PPP का आईडी देना होगा। दरअसल 2011 में आर्थिक सर्वेक्षण का इस योजना के आने के योग्य पाए गए परिवारों की यह कार्ड बने हैं और सरकार ने मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उपलब्ध उत्थान योजना के तहत PPP के माध्यम से चिन्हित किए गए कैंडिडेट के आय वाले एक कम आय वाले यानी कि 1,80,000 से जिनकी इनकम कम है यानी कि डायरेक्टली बात है 15.50 लाख लोग तो इसके एबल हैं, बट जो 12 लाख के करीबन 12.10 लाख के करीबन जो एक्स्ट्रा बनवा चुके हैं कार्ड जिनकी इनकम 1,80,000 से भी ज्यादा है उनके ऑटोमेटिकली फैमिली है जिसे कनेक्ट होते ही आयुष्मान कार्ड कैंसिल आउट कर दिए जाएंगे। ठीक है जी, यानी कि जल्द से जल्द अगर आप नहीं चाहते अपना फैमिली आईडी खराब हो, आपका आयुष्मान कार्ड कैंसिल हो, तो फैमिली आईडी ठीक करवा लीजिए क्योंकि फैमिली आईडी के आधार पर ही आपके आयुष्मान कार्ड बनेंगे। आयुष्मान कार्ड आपके फैमिली आईडी से लिंक करवाने बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएंगे, बस अदरवाइज आपको कोई भी बेनिफिट आयुष्मान कार्ड का नहीं मिलेगा। उम्मीद करते हैं ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए बहुत अच्छी रही है। इसी तरह की और भी विकल्प पाना चाहते हो अगर हमारे चैनल पर नए हो तो कृपया करके चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन जरूर ऑन कर लीजिए। अगर इस चैनल पर नए हो तो कृपया करके सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए। चैनल पर पहले से जुड़े हो तो ज्यादा से ज्यादा वीडियो शेयर जरूर कीजिएगा, हमारे सहयोग जरूर कीजिएगा क्योंकि आपके एक सहयोग से बहुत बड़ी किसी को अपडेट मिल सकती है। ये भर्ती वाले पर लगाम लगाने की बहुत बड़ी अहम तरकीब है गवर्नमेंट की। ठीक है, जल्द से जल्द ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए क्योंकि जिनके आयुष्मान कार्ड है वो जल्द से जल्द अपने फैमिली आईडी से लिंक करवा रहे हैं आयुष्मान कार्ड। उम्मीद करते हैं हमारा चौथा भी वीडियो जल्द से जल्द लाइक शेयर जरूर कीजिए। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी शुभ मंगल, ऐसे हम कामना करते हैं। थैंक यू वेरी मच। और भी इन्फॉर्मेशन पाने के लिए इसी तरह बने रहिए।